Hey guys, what's up? And welcome back to Go Gazal Gone, the weekly review. तो पहला हफ्ता है बिग बॉस का और काफी कुछ हो चुका है. कंटेस्टेंट अच्छे हैं. आते इन्होंने तहलका मचाना शुरू कर दिया. तहलका तो पिछले वाले में आता है. Okay, sorry. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने वो रिव्यू किया था पुराना वाला, उसमें जितने लोगों को हमने जैसा समझा था वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा है. हाँ, ये तो है. क्योंकि आज सैटरडे के एपिसोड में जो हम लोगों के प्रेडिक्शंस की थोड़ी बहुत पोपट हुई है. हाँ, जैसे है. हमने नायरा को दिया था कितना अच्छा मार्क्स, लेकिन वो निकला फुस्की बॉम्ब. नायरा का तो है ना, अविनाश का हमने सोचा तो था हो गया. जैसे सलमान खान ने बोला नायरा फॉल. हाँ यार, ये तो गंदा जोक था. लेकिन हंसी क्यों आ रही है इस पर? मुझे तो अविनाश भी नहीं पसंद आ रहा. बट हम धीरे धीरे कोशिश करते हैं, डे बाय डे बढ़ने की चिट्ठा तैयार है. कोशिश करते हैं जो जो हुआ उसके मेन मेन मुद्दे, जो मेन मेन मुद्दे हुए हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट एंड लेट्स गिव आवर वर्डिक्ट कि आपको कौन सही लगा, कौन गलत लगा, आप किससे कितना सहमत हो. और आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताना व्हाट डिड यू लाइक अबाउट इट. एंड इफ यू लाइकिंग आवर रिव्यूज, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग, बिग बॉस लवर्स को देते रहो. ओके, शुरू करते हैं. तो पहले दूसरे दिन में ये जो श्रुतिका और हेमा जी वाली फाइट हुई थी, नंबर 8 न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को लेकर के इन्होंने शुरू किया कि इससे ये बिहेवियर जज करना और वो सब जज करना. कहती है कि किसी की गॉसिप करने, हेमा जी कहती है किसी की गॉसिप करने से तो अच्छा है ना कि इस तरह की बातें कर लो. तो श्रुतिका कहती है हाँ, गॉसिप करने से अच्छा है कि नंबर लेके उस इंसान के बारे में बोल दो, उसकी बजा दो. मतलब नंबर लेके बजा दो अगले की, चाहे वो बात सच हो ना हो, आपको पता हो, ज्ञान हो ना हो, बांट दो. सो फनी ना. हाँ, कहती है मेरे को तो लग रहा है कि ये मेरे इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे और बोल रहे नंबर 8 के बारे में. उसको उसके ऊपर लेके नंबर 8 का बता दिया भाई. बट उस इंसिडेंट से, बिकॉज इट हैपेंड ऑन द सेकेंड डे, तो मुझे ऐसा लगा कि आप श्रुतिका को आउटस्मार्ट नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. शी इज इजी, बट देन शी इज नॉट लाइक अ काइंड ऑफ पर्सन यू कैन क्रश, लाइक शी इज नॉट अ पुश ओवर. वही है क्योंकि लैंग्वेज के ऊपर मत जाओ भैया. लैंग्वेज स्मार्ट, स्मार्ट तो है, उसको पता है क्या चल रहा है. एग्जैक्टली, एंड शी नोज व्हाट व्हेन टू से व्हाट. और उसने अपना एक काइंड ऑफ घुट सा बना ही लिया है जिसमें सब उसको पसंद कर रहे हैं. हाँ, exactly. And she's entertaining. Entertaining. तो ये चीज भी हमारी चेंज हुई है श्रुतिका के बारे में लेके, बिकॉज वी बोथ हैव स्टार्टेड आल्सो काइंड ऑफ लाइकिंग हर. कभी कभी थोड़ा ओवर होके अनोइंग हो जाता है, बट आई थिंक फॉर अ शो शी इज रियली गुड. हाँ, शो के लिए अच्छा है, लोग उसको तो पसंद कर रहे होंगे उसको, उसकी हरकतें देख के. थोड़ा अलग है ना, इसलिए she's different. She's different. इसलिए वो अच्छी लग रही है. अच्छा, एक हुआ था बीच में जो अविनाश जी और हेमा जी के, बिकॉज हेमा और बग्गा जी तो पूरे टाइम जेल में ही थे. तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा एपिसोड, तो यू मस्ट हैव सीन कि एवरीबॉडी इज लाइक टेकिंग देयर टर्न्स टू सिट नेक्स्ट टू द जेल, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू टॉक टू देम. मन खराब हो रहा था अकेले ना हो. तो कहते हेमा जी पूरी दुनिया आकर यहाँ बैठ गई, लेकिन अविनाश नहीं आया. हाँ, तो फिर अच्छा अविनाश का वो वाला एटीट्यूड नहीं हो गया है. नेचर ये हो रहा है कि मैं वो धीरे धीरे ना वो ये कूल बॉय करके इरिटेटिंग बॉय होना चाह रहा है. वो वैसा एरोगेंट हो गया है, बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड. लाइक वो ना वो वाले आसिम वाले जोन में जाना चाह रहा है, मुझे जहां तक की लग रहा है. एक दो चीज ऐसी हुई भी है, वो लग रहा है कि वो आसिम को थोड़ा कॉपी कर रहा है. बिकॉज उसको, अब मुझे ऐसा लगता है कि उसको ऐसा फील आ रहा है, इफ यू वॉच इट केयरफुली फॉर द होल वीक, कि ही इज ट्राइंग टू प्ले आसिम और वो विवियन से नहीं बिगाड़ रहा. तो इनिशियली आसिम ने सिद्धार्थ से नहीं बिगाड़ी थी, एंड देन इवेंचुअली दे had developed a friendship and then it was a outfall. natural चीज़ थी, natural ये वाला जो इसका ये बहुत, लेकिन गलत गलत चीजों पर लड़ाई कर रहा है. बहुत ज़्यादा. जहाँ पे किसी का कोई मतलब नहीं बनता है, कोई बात नहीं होती है, तो वहाँ वहाँ लड़ने की कोशिश कर रहा है. Which we will eventually discuss like scenario wise. अच्छा, विवियन की यार मुझे विवियन के बारे में कुछ कहना है. वो जितना ही मुझे अग्रेसिव और एरोगेंट लगा था, he is such a nice guy. वो अच्छी अच्छी चीजें कर रहा है, जिसको उसको देखने में भी अच्छा लग रहा है. मजा आ रहा है. लगा था कि एरोगेंट है, गुस्सा भी था ना, तो ऐसे मैं तो ये कर दूंगा और वो वाला उसका था करके कुछ तो भी है. लेकिन बट देन ही इज एक्चुअली अ गुड बॉय फॉर अ होल वीक इफ यू वॉच इट. यार वो अपना खाना वेट करता है सबके खाने की, ट्रू, कभी कभी छोड़ भी रहा है.
खाना तो काफी मेनी टाइम्स की सबने खाया. लाइक मैंने देखा बीच में वो शहजादा के वीगन था तो उसको स्पिनच भी डाल रहा था. सो विवियन ओवरऑल इज कमिंग वेरी ऑर्गेनिक वेरी गुड. आई एम रियली लाइकिंग हिम एज अ पर्सन. आई एम श्योर यू आर आल्सो एंजॉयिंग विवियन ऑन द स्क्रीन और स्क्रीन प्रेजेंस ऑफ विवियन की है अच्छी वैसे भी. सो चाहत एंड विवियन हैड अ बेड फाइट व्हिच वाज क्वाइट हिलेरियस एंड इवेंचुअली इट टुक अ सीरियस टर्न. तो चाहत को बेसिकली उसने दो चीजें ऑक्यूपाई करके रखी हुई हैं एंड विवियन वाज नॉट एबल टू फाइंड एनी बेड फॉर हिमसेल्फ जिससे सबको प्रॉब्लम हो रही है. चाहत का कहना ये है कि उसको खर्राटू की आवाज आती रहती है तो शी इज नॉट एबल टू स्लीप. बेसिकली उसने बेड को लेकर बहुत बड़ी बनाने की कोशिश करी उसके वजह से उन दोनों की लड़ाई हो गई और फिर विवियन उससे एकदम उसका हट गया उससे. अच्छा उसको बेड का जो ड्रॉवर्स है चाहत को जिसमें आप सामान रखते हो अपना बेसिकली वो उसको खाली नहीं करना है. खाली नहीं करना है वो वही रहेगा और ये सोएगी बाहर क्योंकि उसको खराटे तो आप इन्हीं की तो मर्जी चलनी है ना. ये सही है क्यूट क्यूट इमेज लेकर आ जाओ. मैं तो छोटे घर से हूँ. बात वही है कि वो ये कि शुरू शुरू में लेकर आई कि मैं तो ऐसी हूँ सावित्री बन जाएंगी उसके बाद जो कर रही है वो तो कुछ है नहीं उसका. ट्रू ट्रू. तो मुझे ये ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबली लाइक यू नो चाहत इज स्टिल क्या बोलता है विवियन किसी ने एक्शन बोल के छोड़ दिया. अरे यार क्या लाइन मारी कि एक्शन बोल दिया इसको भाई कट करना भूल गया भाई इसको कोई कट करने को बोल दो. क्या लाइन थी यार नंबर लाइन थी वो हम लोग बहुत आजकल यूज भी कर रहे हैं लिटरली लिटरली कि किसी ने एक्शन मूवी छोड़ दिया कट नहीं करा. बट दैट वाज गुड. बट आई थिंक विवियन वाज जस्टिफाइड बिकॉज़ अगर आप एक बेड पे नहीं सोना चाहते नो प्रॉब्लम आप बाहर सो बट एटलीस्ट गिव दैट फुल बेड स्पेस टू समबडी. कोई तो लेटे कोई तो चीज यूज करे उसकी. हमारे आजकल के क्या बोला आज सलमान खान ने कि पूरी दुनिया में फेवरेट हो नहीं हो रहे हो पूरे फेवरेट वतन में सम गुण रतन जी सब वतन एंड रतन ही लाइक यू नो ही सेड समथिंग. एंड एक्चुअली गुण रतन जी का जो कैरेक्टर है ही इज एन एडवोकेट बट यार वो ना वो वाले कैरेक्टर है कि उनसे बन गई तो बन गई. ये जो बीच बीच में से आता है डर जाओगे उनसे. आई फेल समटाइम्स आई गेट वेरी वियर्ड वाइब्स. तो शुरू शुरू में नल ने वो उनको वो चुल लगा दी कि भाई आप अनशन पे बैठ जाओ ये करने के लिए नहीं करते रहते ये करो ये करो उसकी वजह से शायद आप बाहर आ जाओ. अब इन्होंने वो तो बिग बॉस ने उनको कुछ बोल के दूसरे तरीके से बाहर निकलवा दिया. उनको लग रहा है कि भैया अनशन पे बैठे इसलिए हुआ है जबकि उससे नहीं हुआ. ये जो इतने पॉलिटिकल पार्टीज का नाम ओपनली कुछ ऐसी चीजों और कुछ ऐसे लोगों का नाम जो कि बैंड है इंटरनेट पे लेना या नेशनल टेलीविजन पे लेना ले रहे यू आर जस्ट गोइंग आउट एंड सेइंग. मुझे ऐसा लगा था कि इस वीकेंड हालांकि वीकेंड अभी चल ही रहा है बट मुझे लगा था कि इस वीकेंड के वार पे इनको थोड़ा बोला जाएगा बिकॉज ही ऑल्सो गेव लोटस टू फ्यू पीपल एंड देन ही टुक अ नेम ऑफ अ पार्टी एंड आई वाज लाइक कि कुछ तो बोला जाएगा बट आई थिंक पॉलिटिक्स में और दूसरे मुद्दों में फालतू में घुसने की कोशिश और फालतू के नाम लेने जिनकी जरूरत नहीं है ये बहुत अच्छी है लेकिन ये मजा आता है देखने में. लेकिन एक बात बताएं मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट वीक वाला जो वीकेंड का वॉर चल रहा है ना अभी वार चल रहा है अभी मतलब उसमें जो है फोकस किया जा रहा है जो लोग अभी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं जैसे मुस्कान का नाम लिया गया. तो यूजली क्या होता है ये लोग अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं सबको खुल के आओ जो खुलते नहीं है उनको भाई खोल दो पहले तो भाई जनता तो बाहर कर ही देगी. एग्जैक्टली एग्जैक्ट. तो मतलब नायरा से बात की गई मुस्कान से बात की गई. पहला हफ्ता बहुत अच्छा गया है सबने फालतू के ड्रामे करे हैं बट कुछ ना कुछ बट दे ट्राइंग टू डू समथिंग बेटर देन नॉट लाइक यू नो बीइंग ऑन स्क्रीन. खोल ही रहे हैं पहले तो ऐसे ओटीटी वाला हाल हो जाएगा वरना लास्ट वाला जो गया है ओटीटी इट वाज सो सो डिजास्ट्रस. एनीवेज तो गुंडतन जी ने ऑलमोस्ट अपना फोन नंबर लीक कर दिया था. बिग बॉस ने तो बोल भी दिया आपका फोन नंबर जा चुका है स्कैम कॉल आएंगे इट्स नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. उन्होंने बोल दिया आपका नंबर जा चुका है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ने करो जो करना. अच्छा मुझे ना अविनाश का कैरेक्टर तब डे थ्री पे सामने आया जब उसने कुछ तो रजत दलाल के कान में बोला था एंड रजत दलाल से नहीं भाई खुल के बोल बिकॉज इट इज आउट ऑफ द रूल है ना एंड देन मेरा मन था मैंने बोल दिया मान था वो चौड़ में वो उसका ना चौड़ वाला सिस्टम चल रहा है. उसने बिग बॉस देख लिया पीछे का exactly. उसने कुछ कुछ चीजें पकड़ ली अब वो सोच रहा है कि मैं उस पे चलूंगा तो अच्छा दिखूंगा बट अब उसमें गलती जा रहा है. एंग्री यंग मैन वाली इमेज सबके ऊपर सूट नहीं करती और सब कोई उससे आगे नहीं जा सकता बिकॉज आई फील अविनाश जब आया था ही वॉज सो हम्बल दैट्स वॉट वी सेड इन द फर्स्ट एपिसोड. उल्टा आई वॉज सेइंग दैट ही वॉज आउटशाइनिंग शहजादा बिकॉज दे एंटर्ड टुगेदर. लेकिन अब मुझे
अक्षता तो अभी भी नहीं अच्छा लग रहा है, बट ये भी मुझे कोई खास है बिकॉज वो एग्रेसिव है। आज तो एलिस ने बोला भी कि लाइक यू आर ऑलवेज लाइक ऑन दैट ट्रिप जहाँ पे तुमसे कोई बात, नायरा भी बोल रही थी सेम बात, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये चल गया अभी उसने उसकी, और वो जब वो उसने मुद्दा उठाया बेसिकली वो आलू के ऊपर कि भाई यार वो क्या था, वो बहुत ही गंदा मुद्दा था, वो कोई मुद्दा ही नहीं था, एक्स्ट्रा आलू बचे थे उसने बनाने, विवियन ने बनाने की कोशिश, बना रहा था वो टिक्की बना रहा था यार उसको, एक तो वो कुछ खाता नहीं, मुझे ना बुरा भी लग रहा था, बुरा लग रहा था, और खुद खुद देखो खुद कैसे पकड़ा गया कितनी चीजों पे, वो कॉफी कॉफी एप्पल जब कर ही रहे हो तो फिर हर चीज पे करो, या तो जब सिलेक्टिव मत पकड़ो, कोई चार आलू बचा के कुछ बना रहा तो उसमें चलो भाई वो भी बेचारे ने बांट दिया। और मुझे ना ये समझ नहीं आता, मुझे ना करणवीर का कैरेक्टर इतना स्नूटी और स्नूटी सॉरी विटी लगता है मुझे। करणवीर क्या करता है, वो एक वो अपना पॉइंट बोलता है जो कि बहुत सही जगह लगता है, वो निशाने पे लगे पॉइंट बोला, वो निशाने पे गया हट गया, क्या बोला अरे भाई तू अपना कॉफी का देख लेना, और वो बात किसी को पता नहीं थी भाई, वो सबको पता चल गई, और उसी मुद्दे से अब पूरा अविनाश का गेम ही पलट गया, उल्टा उसी ऊपर पड़ गया वो, कि बढ़ाया मानता कि मुहूर्त बना था कि 18वें बटेगा और खुद तो कॉफी छुपा कर रखा है। अच्छा एक कॉन्वर्सेशन मुझे करण, मुझे करणवीर भी काफी पसंद आ रहा है, लाइक आई एम रियली लाइकिंग करणवीर, विवियन, मुझे शिल्पा शिरोडकर बहुत अच्छी लग रही है, मुझे समहाउ चूम दरंग इज डूइंग सो वेल बिकॉज आई फील वो लड़की ना शी इज वेरी करेजियस एंड फियरलेस, वो भिड़ जाती है, वो आएगा उसका उसका मुझे ऐसा लग रहा आने वाले, शी ओनली स्पीक्स ऑन द राइट स्टफ, दिस इज व्हाट आई फील, हर चीज में नहीं बोल रही है वो, लेकिन जब उसका खुद का मुद्दा होगा तो उसमें जरूर घुसेगी। बात करते रजत दलाल की, हाँ पहले एक में करणवीर का पूरा, करणवीर का, हाँ। करणवीर की जो एक कॉन्वर्सेशन हुई थी अरफीन के साथ, तुमने देखी थी कि वो उसका ट्रिगर पॉइंट बता रहा था, मेंटल कोच होकर, अरे वो वाला मुद्दा भाई, उसने उसने बेसिकली बोला कि तुम्हारी बकवास मैं सुनने नहीं वाला, जो करना है करो, अगर गुस्सा हो रहा तो आप भी गुस्सा हो रहे हो, आप भी ट्रिगर हो रहे हो, तो वो सब चीज उसने मतलब लेके ली नहीं, मतलब पीपल आर बाइंग शिट, दे बाइंग शिट, बट आई एम नॉट हियर टू बाय शिट फ्रॉम यू, सो व्हाई शुड आई टेक, मैं आपको ज्ञान बांटना है, आपका जो है आप बाहर करो, ये मेरे साथ मत करो। वो कॉन्वर्सेशन अगर आप बिग बॉस पूरा नहीं देखते हो और हमारे रिव्यू पे रिलाई मतलब पूरा रिलाई करते हो, तो एक बार ना वो क्लिप चला के जरूर देखना, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, इट वाज लाइक अ माइंड गेम कॉन्वर्सेशन, उसने सुना ही नहीं वो चीज, लाइक ही वाज लाइक जस्ट तू बस गलती कर, मैं तेरी गलती पकड़ के तुझे बता दूंगा, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, यू सेड यू वांट टू टॉक अबाउट रजत, अरे यार रजत दलाल का उसने भी फालतू का बीच में मुद्दा उठा लिया, लड़ाई चल रही थी तो उसने शिल्पा जी को पकड़ लिया बीच में, यार वो क्या था, थोड़ा फालतू का नहीं, लड़ाई कहीं और चल रही है, फट्टू फट्टू नहीं, लड़ाई कहीं और चल रही है, आप बोल रहे हो कि भाई अगर उसको नहीं पढ़ना किसी पछड़े में या कोई उसको लड़ाई में नहीं घुसना, शी सेड आल्सो दैट आई हैव अ राइट टू कीप क्वाइट इफ आई डोंट वांट, आप बड़े हो आपको करना चाहिए, आपको भैया तो हर चीज में घुस जाए, वो प्रधान है क्या गांव की, कि पंचायत लेके बैठती, पंचायत तो हम लगाते ना रिव्यू में, उसने ठेका ले रखा है ना, लाइक मतलब वो बोली कि रजत जी आई हैव अ राइट टू कीप क्वाइट एंड आई हैव अ राइट टू चूज व्हेन आई वांट टू स्पीक, हर किसी का है ना, कोई कोई हर चीज में नहीं घुस सकता भैया, मेरे को बहुत फद्दू बात लगी थी, फिर वो जबरदस्ती घुसना लगेगा, ये वाला जो अविनाश वाला जो मुद्दा चल रहा था जब ये सब वो करणवीर इसको कॉफी के लिए ब्लेम कर रहा था और टिक्की वाली बात चल रही थी जबकि आलू क्यों यूज हुए, ही वाज स्लीपिंग, उठकर आया और बीच में कुछ तो बोलने लग गया कि नहीं ऐसे क्यों, तो करणवीर ने बोला भाई तू सो जा एक बार, तू सो जा, तुझे बात पता है पूरी, नहीं पता है ना, नहीं मैं तो बस इनके ऊपर से बोल रहा था, तू सो जा, रजत दलाल क्या सीन है, रजत दलाल का क्या सीन है, वो हर चीज में आएगा, तेज चिल्लाएगा, चिल्ला के बात खत्म, अच्छा उसका हाँ ठीक है, उसका बैठ के उसने क्लियर भी किया शिल्पा से, हाँ तो ये उसने बात थारी सॉर्ट आउट भी हो गई, बट करणवीर जो चीजें कभी आप देखना वो जो चीजें ऑब्जर्व करता है ना, वो एक पॉइंट लेता है, हाँ। सही पॉइंट बोलता है, सामने वाला चुप हो जाता है, उसके बाद उसका सामने कुछ रहता भी नहीं, वो बोला ना कि सो रहे थे ना तुम तो, सो जाओ ना वापस, ये बात किसी ने नहीं पकड़ी, उसी ने पकड़ी, उसी ने पकड़ी कि ये सो रहा था, ये आके फालतू के बड़बड़ कर रहा है, इसलिए वो ज्यादा गुस्सा भी नहीं, हाँ एंड रजत टू का कन्नी कट, लाइक निकलो यहाँ से भाई, उसको पता कि मैं पकड़ा जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा यहाँ पे, एंड देन ही उसके बाद वो पूरे फ्रेम में नहीं आया, ही नहीं कोई फ्रेम, पूरे फ्रेम में नहीं आया,
अच्छा ये वाला श्रुतिका और विवियन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो श्रुतिका और विवियन के बीच में भी एक कॉन्वर्सेशन हुई। श्रुतिका की थोड़ी बॉडी लैंग्वेज है ना कि ऐसे ऐसे करके बात करें, बट ऑब्वियसली नो इंटेंशन, बट दैट्स हाउ शी इज। कभी कभी तो शायद मुझे लगता है मुझसे भी हो जाता होगा, तो यार नॉर्मल बात करते करते कुछ भी कर। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि वो बना रहा था, वो बीच में उंगली मार रही थी, टिक्की खा रही है। तो जब कोई बना रहा होता है, कुछ कर रहा था, सबको अपना स्पेस पसंद है। तो भाई उसको उसको आ गया थोड़ा सा कि उसको इरिटेट हो गया। वो कि यार मैं इतने प्यार से, इट्स लाइक इफ अ शेफ इज मेकिंग समथिंग एंड यू मेस अप इन बिटवीन, आई मीन पहली बार तो gonna... इतनी सिर्फ वही बात नहीं है, सामने लड़ाई चल रही है उस चीज को लेके। ठीक है, एक उसका ऑलरेडी वो जो बना रहा जिस मन से वो मन खराब हो चुका है सामने, क्योंकि सामने वालों ने टोक दिया उस चीज को लेके। प्लस ये आके ये बहुत टेस्टी है, मुझे अच्छी लग रही है, वाला देना मुझे। अरे दे देंगे भाई, सबर रख, उसने सुना दिया। बट ही लॉस्ट इट व्हेन उसने ऐसे, उसने जब उंगली मारी मैंने देखा वो, उसने उसने एंड देन उसने वो प्यार से भी बोला कि आई डोंट लाइक इट व्हेन समबडी क्रॉसेस द बॉडी लैंग्वेज प्रॉक्सिमिटी एंड यू नो टचेस एंड टॉक, बिकॉज आई एम जस्ट आई गेट अनकंफर्टेबल एंड इट्स नॉट गुड। वो रोने लगी भाई, वो उसने इंसल्टिंग वे में ले लिया। रोई बहुत लंबा, कहते ना जो लोग ज्यादा हंसते हैं वो ज्यादा रोते भी बहुत। तुम्हारा भी यही हाल है, यू लिव विद वन आई वाज अबाउट टू से। तो ये होता है, शॉर्ट आउट हो गया बात हो गई, इसने भाई बनाया हुआ है, ऐसा कुछ था नहीं उनके बीच में, बट वो इरिटेशन के चक्कर में सब हो गया, ऊपर से लड़ाई चली दी थी सामने, तो दैट हैपेंड। ओके, नॉमिनेशंस की बात कर लेते हैं। कौन-कौन हुए? मुझे तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया काफी इंटरेस्टिंग लगी इस बार की, वो जो मुझे ऐसे करके करना था। तो टोटल जो है बिग बॉस ने अपनी तरफ से बोला था कि लाइक 10 लोग नॉमिनेट होंगे एंड आई हैव सिलेक्टेड सम नॉमिनेटेड सदस्यस एंड लेट्स सी इफ यू गाइस गेस द राइट वन, लाइक दैट इट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मतलब बेसिकली घर वालों को ही वोटिंग करनी थी उस टास्क में, सबकी फोटोज लगी हुई थी, एक चिल्लाना था जिसको नाम देना, जिसके नाम की हूटिंग होगी एंड इफ इट मैचेस विद द नेम व्हिच बिग बॉस हैज थॉट एंड मोर देन 3 पीपल आर हूटिंग फॉर इट एंड दे आर रेडी टू वोट अगेंस्ट, दैट पर्सन विल गेट नॉमिनेटेड। ठीक है, तो जो सबसे पहली हूटिंग ही हुई एंड मेजोरिटी ऑफ वोट्स के लिए हुई, हमारी खूबसूरत चाहत जी नौटंकी करनी है तो फिर करते रहो नौटंकी। नजर में आ जाओगे, क्योंकि बेवकूफ नहीं है ना ऑडियंस, बेवकूफ है ना जो काम कर रहे हैं वहां पे, वो बेवकूफ है, सब भाई खिलाड़ी हैं। एग्जैक्टली, तो बेसिकली अविनाश, ईशा, शहजादा और वो सबने चाहत को वोट किया एंड दे ऑल्सो सेड द रीजन दे गेव वाज दैट शी वाज प्रटेंशियस एंड मतलब यही विवियन ने बोला था, कोई एक्शन बोल के कट करना बोल दिया। तो सबने मिलके चाहत को बोलिया, तो चाहत इस हफ्ते नॉमिनेटेड हो गई। ठीक है, उसके बाद दूसरा नाम हूट करते हुए आया गुणरतन जी का, जिसमें से सबसे पहले वॉलंटियर किया ईशा एंड करणवीर ने, और उन्होंने बोला ये लेड बैक रहते हैं, बट पता नहीं यार एक्चुअली इज वेरी एंटरटेनिंग एट सम टाइम, कुछ भी है भाई, बस तो मटेरियल वाले हैं दो लोग सबसे ज्यादा एंटरटेन कर रहे हैं, तो ये गुणरतन और दूसरा ये हमारी चाहत नहीं, ये क्या नाम है, श्रुतिका। हाँ, श्रुतिका सलमान जी, ये दो लोग सबसे ज्यादा एंटरटेन कर रहे हैं। Exactly. बिग बॉस में। तो उसके बाद जो है वो, एक मिनट हाँ मैं गलत इन्फॉर्मेशन ना दे दूं। ओके, हाँ, उसके बाद जो नॉमिनेट होता है वो करणवीर भी है, करणवीर के लिए भी बोला गया ही इज इगोइस्टिक ये वो, पर मुझे करण इगोइस्टिक तो नहीं लगता, सरकास्टिक लगता है, सरकास्टिक तो है, तो करणवीर इज ऑल्सो नॉमिनेटेड बाय हूटिंग। ठीक है, मुस्कान गॉट नॉमिनेटेड और नायरा को तो टास्क भी समझ में नहीं आया था, सब करणवीर के लिए हाथ उठा रही है, नायरा के लिए हाथ उठा रही है, तो बिग बॉस कहते बैठ जाओ, ये खतरों के खिलाड़ी नहीं, बैठ जाओ, इस शो में नहीं हो, एग्जैक्टली कोई और चल रहा है, कोई और नहीं हो। हाँ, तो मुस्कान यार वो क्या कर रही है, वो कुछ नहीं कर रही है, इसीलिए नॉमिनेट हुई है, मतलब मेरे को समझ भी नहीं आता, वो मुस्कुराती रहती है बट उसकी आंखें इतनी सीरियस कैसे हैं। वही तो सलमान ने बोला इस बारी की वीकेंड में ना, कि आप ये वाला जो टैलेंट है ना, ये बहुत बहुत सही टैलेंट है, आप हंस भी रही हैं और आंखें भी ऐसे रोई रोई वाली है। एंड बिग बॉस ने मिड ऑफ द वीक आफ्टर नॉमिनेशन टास्क मुस्कान को कॉन्फेशन रूम में भी बुलाया था जस्ट टू आस्क, क्या जोक मारा ना सलमान जी, मजा आ गया, कह रहा है आपको इसलिए बुलाया क्योंकि आपकी जो फैमिली मेंबर है आप वो परेशान हो रहे थे कि आप बिग बॉस में है नहीं, आप तो दिख तो रही नहीं है,
आप कहीं और भाग तो नहीं गई है बाहर, तो इसलिए आपको वो दिखाने के लिए कि भाई कि है ना यार, वो बहुत सही था कि आप हो, उनको टेंशन हो रही है कि आप बिग बॉस को दिखा रही है। तो मुस्कान का नॉमिनेट होना बनता था बिकॉज शी इज डूइंग नथिंग इन द गेम। फिर कुछ लोगों ने, व्हेन आई से कुछ लोगों ने, आई मीन ओनली चाहते हुट किया विवियन के लिए, बट विवियन नॉमिनेट नहीं हुआ, ठीक है, विवियन वाज नॉट नॉमिनेटेड। सही चल रहा है, हाँ हाँ। देन कई लोगों ने हुट किया रजत के लिए, बट ओनली वन पर्सन वाज द वन हु हुटेड, तो रजत इज ऑल्सो सेफ। फिर कई लोगों ने मिलकर अविनाश के लिए हुट किया, एंड मेजोरिटी आफ्टर चाहत एवरीबडी अग्रीड फॉर अविनाश बिकॉज ऑफ हिज एरोगेंस एटीट्यूड एंड इगोइस्टिक एंड काइंड ऑफ this kind of attitude which he is, I feel. So Avinash is nominated this week also. Then Avinash hooted for Shehzada, but nobody else hooted for Shehzada, so Shehzada was safe. Fir Tajinder ke naam pe hooting hui, lekin only two people nominated Tajinder. Ek aadmi sab ka khel ke chal raha hai ki matlab wo lamba nahi chalega, lamba nahi chalega, but haan koi hasas ke thoda abhi log se ladai nahi ho rahi na, normal chal raha hai to koi hai nahi uske liye bolne ke bhai. Few people voted hooted for Hema, but less than 3, so वो भी नहीं हुए। तो total जो इस बार nominate हुए हैं वो है चाहत, गुणरतन, करणवीर, मुस्कान एंड अविनाश, जिसमें से मुझे लगता है ये जाने वाली है, या तो ये किसी को नहीं निकालने वाले, लेकिन वो कुछ कर नहीं रही है तो शायद हो सकता है निकाल दे। मुझे तो मुस्कान लग रहा है, तुमको कौन लग रहा है? मुस्कान ही जाएगी बिकॉज कोई है नहीं ना, कोई मतलब दिखी नहीं रही है, इम्पैक्ट नहीं है, मतलब बिल्कुल इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा। अगर वो चली भी जाएगी तो कोई फर्क नहीं, पता भी नहीं चलेगा कि कोई आया था। Unless she has a very strong fan base outside which I am not aware of, मतलब मैंने उसके वर्क को फॉलो नहीं किया है कभी, सुना नहीं है इसका नाम, पहली बार देखा इसको शो। Me too, because probably we don't follow TV shows anymore, मतलब TV serials में क्या होता है we have no idea, तो शायद अगर उसकी फैन बेस स्ट्रॉन्ग है तो देन देयर इज अ स्कोप, क्योंकि मुझे ये भी लग रहा है बाकियों का फैन बेस उससे ज्यादा हो। हाँ, बट ये बात एक है कि अविनाश इस हफ्ते काफी गलत गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अविनाश इसके साथ थोड़ा सा आता है ना, मतलब बॉटम टू में मुस्कान के साथ, तो एक अविनाश को ना झटका बहुत जरूरी है। बट वो जाएगा नहीं, वो जाएगा नहीं, ही इज क्रिएटिंग सीन, नहीं व्हाट आई एम सेइंग, झटका मतलब just to get up and understand that nuisance is too much and attitude is a lot. जहां मैं इतना अविनाश को पसंद कर रही थी, like he's not like really, बहुत ज़्यादा arrogance उसके अंदर भरा हुआ है। तो उसने फालतू मुद्दे उठाए। But अच्छा फिर क्या है कि हाँ अंशन कि ये हुआ कि अब हेमा जी और तजिंदर जी को मतलब बाहर निकाला जाएगा जेल से, दे वर रेडी टू सैक्रिफाइस देयर राशन, नो राशन वाला तो बाद में होता कि मतलब अब स्वॉप होगा, तो कौन तो ईशा, अविनाश और करणवीर को ये अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो डिसाइड अमंग देमसेल्व्स बिकॉज दे वर क्वाइट वोकल अबाउट देयर ओपिनियन कि कौन दो लोग इंस्टेड ऑफ तजिंदर एंड हेमा अंदर जाने चाहिए, तो गुणरतन एंड चाहत का नाम आया। हाँ, है ना। लेकिन जो गुण रतन जी ने वो जो हंगामा उन्होंने किया, अनशन पे बैठ जाऊंगा, आंदोलन कर करेंगे, मैं डरता नहीं हूँ, गुंडों के खानदान का हूँ, डाकू के खानदान का, डंके की चोट पे मैं नहीं जाऊंगा। वो नहीं गया तो, और वो बाहर नहीं आ पाए इस चक्कर में, वो अंदर ही रह गए। आखिर फाइनली बिग बॉस को कुछ और ही टास्क, मतलब वो गए बाहर निकालने के लिए किसी और को, फिर राशन सैक्रिफाइस वाला टास्क करना पड़ा कि दिया कर दिया, और लोगों ने उसका कुछ किया भी नहीं। एग्जैक्टली, लोगों ने बोला कि ठीक है भाई निकालो, भाई निकालो, रो ही रहे नहीं, बट बहुत टाइम से थे, बेवकूफी अपनी ना, पावर मिल रही तो खुश हो गए थे। हाँ, फिर लेकिन क्या वो डेमोक्रेसी और अरफीन को क्या क्या बोल रहा था, मतलब कभी कभी तो मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मतलब लाइक यू नो लाइक थोड़ा ठंडा होना, ठंडा होना जरूरी है, बहुत ज्यादा कुछ बोल रहा था। समटाइम्स ही goes too much out in the character ना, मतलब मुझे पता नहीं वो क्या कैरेक्टर करते रहते हैं बीच में। बोल रहा हूँ डाकुओं के खानदान का हूँ, चश्मा लगा के चमकीले कपड़े डाल के बोल रहा, आई एम अ डिस्को डांसर की चोट पे बोल रहा हूँ। और अब कर लेते हैं वीकेंड के वॉर का, जो पहला वीकेंड का वॉर है, जो सलमान खान की एंट्री होती है, उसके बाद यार
आई डिड नॉट मिस अनिल कपूर एट ऑल. मतलब आज सलमान खान आए ना तो लगा कि वीकेंड का वार, तो लग रहा था कि वीकेंड का वार होने वाला है. तो उन्होंने आते ही गाना गाया और वो बजाओ बजाओ किया कि आज किसकी बजेगी, आज किसकी बजेगी. मजा आ गया वो सुन करके. सुन के ही लगा कि काहे कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है. बट उन्होंने ये काइंड ऑफ क्लियर शुरू में कर दिया ना कि वो उनको ही टारगेट करेंगे जो बिल्कुल दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि पहला हफ्ता है, पहला हफ्ता है, सबको उठाना भी जरूरी है ना, वही करना भी जरूरी है जो जो सही कर रहे हैं. तो शुरू तो कर ही दिया था, तो कर दिया तो था इन्होंने. शिल्पा जी पहले रोने लग गई, आते ही उनसे बात करी और वो रोने लग गई. तो वो सलमान खान जी हंसे और बोलते कि भाई पहला हफ्ता है शिल्पा, आ गई हो लंदन से, ये सोच रही हो जाना है वापस. मैं तो बोला मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ. वो कह रही कैसी खुशी है, पहला हफ्ता है. मुझे लगा था अविनाश को कुछ बोलेंगे, बट सरप्राइजिंगली कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसने कुछ किया, मतलब कुछ तो कर रहा है. हाँ. क्योंकि मेन मकसद आज बाकियों से बात करना था. एक बात बताओ, एक होती है बेइज्जती, एक होती है घनी बेइज्जती, जो आज नायरा की हुई है. नायरा के साथ मजे लिए पूरे फुल ऑन, उसको बताया कि भाई आपने क्या क्या बेवकूफी करी. नहीं बेवकूफी थोड़ी, आप तो दिखे ही नहीं हो. दिखे ही नहीं है तो वो चार पांच बार बताया कि आप कहाँ दिखी हो एंट्रेंस पे, और दो तीन चार बातें बोली. से बोला है कि जो आपका डांस भी हम काटने वाले थे वो नहीं काटा, क्योंकि हमने कॉपीराइट, वो भैया कॉपीराइट ना लग जाए तो इसलिए उनको पैसे देने पड़ते हैं, तो कोरियोग्राफर को पैसे देने. निशांति तो था, निशांत भट्टी तो था कोरियोग्राफर, कंटेस्टेंट रहा है भाई बिग बॉस का, तो थोड़ा तो वेटेज देंगे उस चीज को. उसका नाम भी लिया, अच्छी बात है. काफी ज्यादा बेइज्जती करी बेसिकली वो. ओवरऑल यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बैकग्राउंड में मत दिखो, और आई थिंक नायरा में काफी पोटेंशियल है, इस वजह से उसको थोड़ा सा बोला. पांच सात मैंने डेडिकेट किया है पूरा पूरा, हो है सकता हो बदतमीजी करे आगे जाके, क्योंकि इसलिए शायद उसको थोड़ा उसको, क्योंकि देखा होगा ना खतरों के खिलाड़ी में वो कितने वो थोड़ा कैसे कैसे बात करते, वो क्यूट क्यूट में कर रही थी, उसको थोड़ा समझाया गया कि भाई क्यूटनेस अपनी जगह. अभी तो बोल रही थी ना कि इतना एपिसोड कटेगा कुछ तो ये वाली फालतू बकवास है पूरे, तो उसको थोड़ा समझा दिया ये चीज. एग्जैक्टली बात किससे करी, और उसके बाद फिर बात होने लगी कचरा डालने वाला टास्क, कचरा डालने मुस्कान को भी समझाया बट थोड़ा थोड़ा बोल दिया है ठीक है उसमें कचरा वचरा डालवा दिया. नहीं नहीं ऐसे नहीं हुआ था, इट्स लाइक कि एक्टिविटी रूम ओपन हो गया है एंड बिग बॉस के जो टू प्रिडिक्टेड विनर्स हैं, मतलब विनर एंड रनर अप है, वो है एलिस और ये विवियन. तो उनको अंदर बुलाया गया और उनसे चार पांच सवाल किए गए. उसमें ये पूछा गया कि उनकी क्या प्रेडिक्शन है, कि उनको क्या लगता है कि इस चीज का कौन क्या जिम्मेदार है. तो पहला चीज तो वो वाला हुआ था कि जेल जाने का कौन जिम्मेदार है, चाहत की हेमा और तेजिंदर, तो दोनों ने मिलकर बोला कि ये दोनों के पास हेमा एंड तेजिंदर आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दे वर द वंस हु चोज. उनके पास बेसिकली ऑप्शन था, वो नहीं गए तो उनकी गलती थी. उसके बाद बुलाया फिर उनको बुला के कचरा फेंको किया, और ये जो टाइम आवर वाला जो आवर ग्लास वाला टास्क नहीं हुआ था. हाँ, फिर उसके अंदर जो ये डिसमिस हो गया जो था, पहला जो टास्क था, तो करणवीर के ऊपर सब लोग बिल फाड़ रहे थे पूरे टाइम. करणवीर और अविनाश के ऊपर वो बिल फटा था, लेकिन उनको बोला गया कि सब करण के ऊपर, सामान खाने वाला करण के ऊपर भी खाली बिल फाड़ रहा. उस जो थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर पे गया था उनको जगा के जाना चाहिए था. तो बेसिकली सब जिम्मेदार, तो ये क्लियर हुआ कि सिर्फ करणवीर और अविनाश की गलती नहीं है. बेसिकली जो फोर्थ वाला करके गया एक बार जगा के टैप करके या हेड्स अप देके तो जाता है. करण ने भी बोला कि हां मैं अपनी गलती मानता हूं, इसमें मेरी है तो डाल दो भाई. फिर चाहत को बुला करके उनके ऊपर कचरा डाला गया. उनकी भी उसके ऊपर ही तो बुलाया गया था ना, कि मतलब खराटे वाली बात पे, बेड वाली बात पे हुआ था. हाँ. कि किसकी वजह से आपको लगता है कि बेड्स के प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहे, तो चार सिंगल वो आई और उसके ऊपर सबने कचरा डाला. एंड देन लास्ट में फिर से हेमा और तेजिंदर ही आए, वो राशन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, जबकि मुझे वो फेयर नहीं लगा. और वही बात सलमान खान ने भी बोली कि इट्स नॉट फेयर. ऐसा कुछ नहीं है कि उसने तो पूरा खुला बांट दिया था कि ले जाओ. हाँ, तो मतलब ये क्या, मतलब व्हाट द हेल. तो वो उसके ऊपर आया जो हमारी है शिरोडकर जी. हाँ, शिरोडकर जी की आपने मैनेज तो सही नहीं बोल दिया कि मैंने किया है ये. हाँ. गलत, ये तो उस पे बात आ कि वो बोली कि मतलब शायद मेरे से हो गया होगा. कि फिर यार सब 18-18 लोग का जिला का खाना रोज थोड़ी कोई बनाता है. पहली बारी को आया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो जाएगा, बट चलो. सो दैट हैपेंड. एंड उसके बाद ना आज मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही एब्रप्टली खत्म कर दिया.
हाँ वो खत्म तो बीच में हो ही गया था, टाइम तो हो गया था, बट बीच में एकदम से बोला कि पता नहीं, या तो वो इंसिडेंट की वजह से नहीं, जानते हो क्योंकि वो शुरू में भी ना वो जो आलू वाला इंसिडेंट चल रहा था वो चलता ही जा रहा था, आज भी आधा मतलब 15-20 मिनट तो वही दिखाया है। देखते हैं फिर कल सलमान खान जी आते हैं या नहीं आते, वी डोंट नो वीकेंड का बार हो पाता है या नहीं, या कोई और कंडक्ट करने वाला है, क्या पता पहले हो गया हो तो उसकी वजह से, तो इट्स अ गुड न्यूज, तो अच्छी बात है कि वो पूरा हो गया होगा, बट वो पता चलेगा, अब वो कल ही पता चलेगा जिसकी अपडेट आपको मिलेगी अब नेक्स्ट वीक में। तो ओवरऑल आई जस्ट होप हमारी प्रेडिक्शन फॉर इस बार के एलिमिनेशन सही हो, या तो कोई नहीं जा रहा है या तो मुस्कान जा रही है, वन ऑफ द अबव होना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा तो ये ओवरऑल हमने आपको बता दिया, बता दिया हुआ है तो आपको पूरा देखने की जरूरत नहीं। एग्जैक्टली, और इस हफ्ते के हम टॉप 5 कंटेस्टेंट्स दे देंगे, ओके एक मैं दूंगी और एक ये देगा, तो टोटल हम 5 देंगे। मेरे हिसाब से टॉप 5 में इस हफ्ते जो गए हैं, पहले गुण रतन जी, हाँ तुम्हारा सेम, मैं एग्री हूँ यार, ये क्या है, यू हैव टू टेल मी वन मोर, तो तुम बोलो मैं बोलूंगा, मैं एग्री हूँ, ओके डन। तो आई फील गुण रतन जी, हाँ वो ठीक है, डन है। मुझे लगता है हेमा जी बहुत अच्छा कर रही है, ठीक है, मेरे को इतना वो नहीं है, मैं बीच में हूँ। हेमा जी, विवियन आई रियली लाइक, विवियन इज डूइंग रियली वेल, करणवीर आई रियली लाइक, आई लाइक देम, दिस वीक दे वर वेरी नाइस, एंड आल्सो इस बार तो मुझे श्रुतिका को आई हैव टू गिव दिस लाइक फॉर टॉप 5। इस वीक के टॉप 5 जो आपको स्क्रीन पे एंटरटेन करते हुए, आपको हंसी और इमोशन सिखाते हुए ऑर्गेनिकली दिखे हैं, मुझे लगता है वो ये 5 नाम है। लेट मी नो इफ यू अग्री विद मी और नॉट, एंड इफ यू अग्री बिकॉज ही अग्रीड, ठीक है, let's just let us know about it, and हर हफ्ते हम आपको ऐसे 5 contestants का नाम बताएंगे जो हमें लगेगा कि they are doing really well in that week, ठीक है, अब हमें ये देखना है कि कौन इसमें कौन consistent रहता है, like you know, ठीक है, with this I hope you enjoyed our weekly review, and if you did enjoy, don't forget to like, comment, share and subscribe, please कर देना, कर दिया, comment करो जल्दी से, चले, चलो flight पे चलो।